अब फिर एक बार बात आती है, देखिए जिस पुनर्जागरण की हम बात कर रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं, उसी ने प्रबोधन पे इम्पैक्ट डाला है 18वीं सदी, और पुनर्जागरण कब का है 15वीं 16वीं सदी। अब आपको हम एक सवाल दिखाते हैं, उसको भी देख लीजिए आप। सवाल क्या है, 12वां सवाल क्या है, पुनर्जागरण के, यहां के उन्हें चेंज हो गया है ना, पुनर्जागरण के विद्वानों ने अंडे दिए थे जिनको बाद में धर्म सुधार आंदोलन के जनक लूथर ने सेया था। यानी कि बेसिक विचार पुनर्जागरण के विद्वानों से आया था, वो फलीभूत कहां होता दिख रहा है, लूथर में प्रकट हो रहा है, लूथर में। और लूथर क्या कह रहा था, लूथर पोप का विरोध कर रहा था, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पाप मोचक पत्र बेच रहा था, आओ खरीदो पाप पैसे, ठीक। वो कहता था उसका प्रतिनिधि कि जैसे ही आपके द्वारा दिए गए सिक्कों की खनक तिजोरी में गूंजती है, उसी अनुपात में आपके पाप क्षय होना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए लोग इंडल्जेंस खरीद रहे थे, पाप मोचन पत्र खरीद रहे थे। तो लूथर ने चर्च की दीवार पे अपने 95 थीसिस लिख के चिपका दिए कि इंडल्जेंस खरीदने से आप पोप के द्वारा लगाए गए कर से बच सकते हैं, ईश्वर की अनुकंपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की अनुकंपा आपको तभी मिलेगी जब आप सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे। कोई पादरी, संसार की कोई शक्ति अगर ये कहती है कि वो आपके पापों का क्षय करा देगी तो झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा सच्चे मन से की गई ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के बाद ही संभव है, बाकी सब धंधा है, बिजनेस है। लूथर के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और लूथर के अनुयायी ही पोप का प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में जो लोग लूथर वाली विचारधारा के थे वो यूरोप में कॉमन नेम पा गए, प्रोटेस्टेंट। अब ईसाइयों का एक अलग संप्रदाय आ गया, प्रोटेस्टेंट, जो परंपरागत ईसाई कैथोलिक, कैथोलिक मतलब चर्च समुदाय, जो लोग रोमन चर्च से संबंधित थे, चर्च समुदाय जो लोग पोप को मानते थे उनसे अलग प्रोटेस्टेंट आ गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसी स्थिति में और भी कई विचारक आए, कॉल्विन आया, स्टूडेंट ज्विंगली आया,